सुरह सभा की आयत नंबर इकतीस थर्टी वन शुर सभा का चौथा रकूब और बाईसवें पारे का दसवा रुकूब अल्लाह रबी नेरमायादी फरू और काफिर बोले बिहाद अल कुर आनी हम हरग ना ईमान लाएंगे इस कुरान पर विल और न उन किताबों पर जो इससे आगे थी यानी काफिरों ने कहा न हम इस कुरान पर ईमान लाएंगे न तो रेत इंजील जबूर पिछली किताबों पर ईमान लाएंगे वाल इज इज वालिमू न मऊकू और किसी तरह तू देखे जब जालिम अपने रब के पास खड़े किए जाएंगे यार जो बाद इलाहाबाद निलकुल इनमें एक दूसरे पर बात डालेगा यानी एक दूसरे पर ये जालिम इल्जाम लगाएंगे तकबरू वो जो दबे थे उनसे कहेंगे जो ऊंचे खिंचते थे यानी जो कमजोर लोग होंगे वो मुतकबरीन सरदारों से कहेंगे जो ताबे और पैरोकार होंगे वो सरदारों से कहेंगे लकुन्ना मुमिनीन। अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमान ले आते यानी अगर तुम हमें ईमान से न रोकते ईमान लाने से न रोकते तो हम जरूर मोमिन होते और आज बर्बाद न होते नस्तकू लदी नस्त हो वो जो ऊंचे खींचते थे उनसे कहेंगे जो दबे हुए थे यानी मुतकबरीन सरदार कहेंगे कमजोरों से जो इनकी पैरवी करते थे हुदा क्या हमने तुम्हें रोक दिया हिदायत से बाद इस बाद इसके कि तुम्हारे पास आई तुम कुमरम बल्कि तुम खुद मुजरिम थे वह कौलोदी नस्तकू और कहेंगे वो जो दबे हुए थे उनसे जो ऊंचे खींचते थे सरदारों से जो पैरोकार होंगे वो कहेंगे बल मकर लिवन नहार बल्कि रात दिन का मकरो फरेब था यानी तुम रात दिन हमारे लिए मकर वेब करते थे और हमें गुनाह पर शेर को कुफर पर उभारते थे हमें गुमराह करने की कोशिश करते थे जबकि तुम हमें हुक्म देते थे कि अल्लाह का इनकार करें व अंदादा और अल्लाह के बराबर वाले ठहराए शिर करें हम तुम हमें गैर की पूजा का हुक्म देते थे एक दूसरे को इल्जाम दे रहे होंगे फिर फरमाया नदामा और दिल ही दिल में वो पछता रहे होंगे दोनों फरीक, ताबे भी मतबू भी पेरोकार भी सरदार भी जो बहक गए वो भी जो बहकाने वाले वो भी ईमान न लाने पर अफसोस करेंगे लम्बा रबुल आजाद जब वो अजाब देखेंगे जहन्नम का अजाब देखेंगे तो अफसोस होगा इसमें नसीहत यह है कि लोगों की वजह से अपने आखरत के मामला मत बिगाड़ो ये दुनिया बहुत मुख्तर है इस बात की फिक्र रखो कि अल्लाह के, अल्ला के हजूर हाजिर होना है किसी की खातिर अपने आप को जहन्नम में मत डालो व जानल अगला फरू पर हमने तोक डाले उनकी गर्दनों में जो मुनकर थे यानी कल व्यामत हम उनकी गर्दनों में तोक डालेंगे जो मुजरिम थे जो काफिर थे चाहे वो बहकाने वाले हों चाहे वो जो बहक गए तमाम काफिरों की ये सजा है उनकी गर्दन में तो डाले जायेंगे हल यु जउन अल्ला मा या मलून वो क्या बदला पाएंगे मगर वो ही जो कुछ करते थे दुनिया में जो उन्होंने कुफर किया गुनाह किए उसी का वो बदला पाएंगे अल्ला मुतरफू और हमने जब कभी किसी शहर में कोई डर सुनाने वाला भेजा वहा के मालदारों ने यही कहा सरदारों ने यही कहा जो गुरुबर करने वाले थे उन्होंने यही कहा इना बीमा और सिल तुम भी ही का फिर तुम जो लेकर भेजे गए हम उसके मुनकर हैं। इसमें सैयद आलम सल वसलम की तस्किन खातिर फरमाई गई कि आप इन कुफार की तकजीब और इनकार से रंजीदा न हों। कुफार का अंबिया अलीम के साथ यही दस्तूर रहा है और मालदार लोग इसी तरह अपने माल और औलाद के गुरूर में अम्बिया की तकजीब करते रहे हैं। दो शख्स शरीके तजारत थे इनमें से एक मुल्क शाम को गया और एक मकई मुकर्रमा में था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने नबूत फरमाया और वो शख्स जो मुल्क शाम में था उसने हुजूर हजूर अलैहि वसल्लम की खबर सुनी तो उसने अपने शरीक तिजारत को खत लिखा मक्के में यानी शाम से मक्के शरीफ उसने खत भेजा और उससे हुजूर अलैहि वसल्लम का मुफसल हाल पूछा उस शरीक ने जवाब में लिखा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लाम ने अपनी नबूबत का ऐलान तो किया है लेकिन सिवाय छोटे दर्जे के हकीर कमतर गरीब लोगों के और किसी ने इनका इतवा नहीं किया जब ये खत उसके पास पहुंचा, तो वो अपने तजारती काम छोड़कर मक्के मुकर्रम आया और आते ही अपने शरीक से उसने कहा कि मुझे आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लाम का पता बताओ और मालूम करके हजूर सल्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि आप दुनिया को क्या दावत देते हैं और हमसे क्या चाहते हैं है बुद्ध परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करना मैं ये चाहता हूँ आपने उसे आकाम इस्लाम बताए ये बातें उसके दिल में असर कर गई वो शख्स जो मुल्क शाम से आया था वो पिछली किताबों का आलिम था कहने लगा मैं गवाही देता हूँ कि आप बेशक अल्लाह ताला के रसूल हैं। अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने ये कैसे जाना उसने कहा कि जब कभी कोई नबी भेजा गया तो पहले छोटे दर्जे के गरीब लोग ही उसके ताबे हुए गरीबों ने ही नबियों की पहले पैरवी की ये सुन्नत इलाहिया हमेशा ही जारी रही इस पर आयत गरीबन नासिल हुई व कौल नाहनु अक्सर व औलादा और वो बोले हम माल और औलाद में बढ़ कर है मा नाहन बेमआजी और हम पर अजाब होना नहीं जब दुनिया में हम खुशहाल है मालदार है तो हमारे आमाल हमारे अफाल हमारे काम अल्लाह को पसंद होंगे और ऐसा हुआ तो आखरत में अजाब नहीं होगा अल्लाह तला ने इनकी इस ख्याल का इबाल फरमा दिया कयास करना गलत है आखरत के मामला को दुनिया के मामला पर कयास करना सही नहीं कुल ए महबूब आप फरमाइए इन्ना रबी यब सुस्कदे बेशक मेरा रब रिस्क वसी करता है जिसके लिए चाहे और जिसके लिए चाहे तंगी फरमाता है यानी ये रिस की वसत तो और तंगी इम्तिहान और इब्तला के लिए है तो दुनिया में रोजी की कशाइश रज़ाए इलाही की दलील नहीं और ऐसे ही इसकी तंगी अल्लाह ताला की नाराजगी की दलील नहीं कभी गुनागार पर रिस की वसत करता है और कभी फरमा पर तंगी फरमाता है ये उसकी हिकमत है आखरत के सवाब को इस पर कयास करना बिल्कुल गलत है और बेजा है अक्सर ना लेकिन बहुत लोग नहीं जानते यानी बहुत सारे लोग इन हिकमतों को नहीं जानते सभा का चौथा रुगु मुकम्मल हुआ अल्लाह रबीन इस रुको के नूर से हमारे कुलूब को रोशन मुनवर फरमाए